भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत पूर्णिया स्थित मौसम विभाग का कार्यालय पूरी तरह जर्जर है। खिड़की टूट चुकी है और पेड़ की मोटी शाखा कमरे को नुकसान पहुंचा रहा है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 148 साल पुराने भवन में ऑफिस का काम होता है। 38 साल पहले यह मौसम विभाग का ऑफिस खोला गया था ताकि कोसी सीमांचल के लोगों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। कुल 5 कर्मी यहाँ कार्यरत हैं, जिसमें 1 स्थायी हैं। यहाँ से कोलकाता, पुणे और पटना को प्रतिदिन मौसम का डाटा भेजा जाता है। एक तंग हाल कमरे में ही कार्यालय का संचालन होता है। इसी के भीतर एक आलमीरा में महत्वपूर्ण कागजातों को किसी तरह संभाल कर रखा जाता है। यहाँ से मौसम में होने वाले बदलाव की जानकारी दी जाती है। रेन गेज दिन और रात के तापमान, हवा के दबाव और उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है। मौसम वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि बारिश होने पर पानी रिसता रहता है, किसी तरह फाइल को बचाते हैं। आइए हम दिखाते हैं मौसम विभाग के कार्यालय का हाल। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विभाग का कार्यालय काम करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया के मौसम विभाग कार्यालय के नज़दीक। आप तस्वीरों में देखिए कि ये 1874 का बना हुआ भवन है, अंग्रेजों के ज़माने का है। 1984 से यहाँ पर मौसम विभाग के कार्यालय ने काम करना शुरू किया। उसके बाद से लेकर के अभी की स्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर है। यहाँ जो कर्मी हैं वो किसी तरह अपना काम करते हैं। आसपास में जो है जंगल भी है, यदा कदा जो है सांप का निकलना भी यहाँ होता है और कमरे में भी प्रवेश कर जाता है। बारिश के समय में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण जो यहाँ काम करने वाले कर्मी हैं उनका कहना है कि अपनी फाइल को हम बचाएं, या हम कंप्यूटर को बचाएं, या फिर हम काम करें। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि एक ही कमरे का ये मौसम विभाग का कार्यालय है। आप यहाँ देखिए कि इसी तंग कमरे में ये सारे मौसम विभाग का काम होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बिजली का वायर है, बोर्ड है, और बगल में ही आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर पर काम हो रहा है, और यहीं पर बैठ कर के जो है मौसम वैज्ञानिक अपने काम को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए कि किस तरह जर्जर हालत में ये दीवार है, और दीवार जो है अपने जगह को सीधे सीधे छोड़ते हुए अब जो है वो अंतिम हम कहें कि गिरने के पायदान पर है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सुर्खी चूना का किया हुआ, अंग्रेजों के ज़माना का बनाया हुआ ये है। साथ ही यहाँ ये दूसरी ओर देखिए कि ये सारा ढांचा भी आपको बिल्कुल गिरा हुआ है। किसी तरह भगवान भरोसे इस कार्यालय का संचालन हो रहा है। वहीं हम दूसरी ओर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देख लीजिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। पूरा ये जर्जर हालात में है और इसका प्लास्टर भी पूरा झर रहा है। और इसी में आलमीरा है, और इसी आलमीरे में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। जब बारिश होती है तो काफ़ी परेशानी होती है। हमने आपको भीतरी जो है आवरण है उसके बारे में दिखाया। अब हम बाहर चलते हैं और बाहर की क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक पेड़ जो है वो नीचे से ऊपर उसकी शाखा पहुँच गई है, और वो शाखा इसको ध्वस्त धीरे धीरे करता जा रहा है। कई जगह जो है कई जगह आप देखेंगे कि जो है वो ईंटा जो है भी बाहर निकला है। जबकि देखिए ये खिड़की है, ये आप देखिए कि ये टीन के चदरे से किसी तरह इसको जो है खिड़की को ढक दिया गया है, क्योंकि खिड़की टूटी हुई थी। और मौसम विभाग के कार्यालय का ये हाल है, जहाँ से कि सभी तरह की सूचनाएँ पहुँचती हैं, तापमान से संबंधित या जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, हम तूफान की बात करें, बारिश की बात करें, या अन्य चीज़ों की। तो इतने महत्वपूर्ण कार्यालय इतने महत्वपूर्ण कार्यालय की ये स्थिति है, और ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कार्यालय है। और उस कार्यालय की क्या स्थिति है आप देख करके तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार का ये कार्यालय है, किसी की निगाह इस पर नहीं पड़ रही। हालांकि इसके संबंध में जो पटना के इस विभाग के डायरेक्टर थे, उन्होंने आकर के एक बार इसकी सुध ली,
इसके संबंध में यहाँ के ज़िला पदाधिकारी के अलावा कमिश्नर को भी संज्ञान में दिया। उसके बाद से यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है। साथ ही साथ सबसे मजे की बात हम आपको बता दें कि इतने बड़े कार्यालय, इतने महत्वपूर्ण कार्यालय में कहीं भी शौचालय नहीं है। आप देख लीजिए, जहाँ कहीं देखेंगे कहीं कोई शौचालय आपको नहीं दिखेगा। और ये हाल है मौसम विभाग कार्यालय का। और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, आप जहाँ तक देखेंगे कहीं कोई आपको हैंडपम्प नज़र नहीं आएगा। बावजूद इसके यहाँ पर कर्मी अपना काम करते हैं, जो इन्हें जिम्मेदारी मिली है उसका ये पूरी तरह निर्वहन करते हैं। जब इन्हें अगर हम कहें कि टॉयलेट की आवश्यकता होती है तो इन्हें मजबूरन इसमें ताला बंद करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँचते हैं। इस दरमियान अगर ताला लटका हुआ नज़र आता है तो लोग यह सोचते हैं कि कर्मी यहाँ नहीं हैं और वो अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि इन्हें ऐसी विपरीत परिस्थिति में बाहर जाना पड़ता है। उस दौरान जो आते हैं तो वो इनकी सोच होती है। हालांकि जो स्थिति है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का ये कार्यालय है। और ये और केवाड़ी की स्थिति भी आप देख लीजिए। ये हमारे साथ हैं यहाँ के मौसम वैज्ञानिक एस के सुमन जी, जो स्वयं दिखा रहे हैं कि दरवाजे की क्या स्थिति है। किसी तरह रंग रोगन कर उसे बचाया जा रहा है ताकि दीमक न लगे। अगर दीमक लग गया तो ये दरवाज़ा भी गिर जाएगा और ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। उसके बाद इस कार्यालय में कोई भी बैठना नहीं चाहेगा। आप देख सकते हैं कि देखिए कितने जो कार्यालय है उसके चारों तरफ जो है सिर्फ आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। वहीं दूसरी ओर हम चलते हैं और वहां पीछे से दिखाते हैं कि क्या साल से मैं यहां पांच सुधार जी के मैं लिख रहा हूं। ये इनका कहना है कि जो यहां मौसम वैज्ञानिक है, इनका कहना है कि शौचालय के संबंध में ये पिछले 8 साल से सूचित किए हुए हैं। यहाँ के संबंधित यहाँ के नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनको, जिला पदाधिकारी को वो फाइल भी मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं, अच्छा कितने दिनों से शौचालय की ऐसी स्थिति? एक्चुअली मैंने पहले तो इंचार्ज कौन थे नहीं थे। जब मैं 2014 में मैं ऑफिसर इंचार्ज बना तो मैंने मूल भी जो मैंने फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है एक मैंने लिविंग थिंग के लिए खा मैंने मेनली ह्यूमन बींग के लिए इसको लिखे थे कि मैंने एक्चुअली वाटर के लिए तो मैं यहाँ के नगर निगम बुडको DM आपदा को और आपको PHED को अपना DDGM को डायरेक्टर को मैंने करीब 8 साल से मैं लिख रहा हूँ वाटर टॉयलेट के लिए। बट टिल दिस डेट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड टॉयलेट हैज नॉट बीन सॉल्व्ड सर। अभी तक नहीं हो पाया, समस्या का समाधान नहीं हुआ। नो एंड परहैप्स इन द फ्यूचर मैंने व्हाट विल बी मैंने इट्स फ्यूचर एक्चुअली सर आई डोंट नो सर। इतना महत्वपूर्ण कार्यालय है, केंद्र सरकार का कार्यालय है, तो ये मेरा गवर्नमेंट मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये आपकी सबसे बड़ी ऑफिस है। एवरी मैंने 3 आवर्स में यहाँ पे सिनोप्टिक डाटा ऑब्जर्वेटिंग डाटा आपको पूना पटना कोलकाता और दिल्ली ट्रांसमिट की जाती है। इसके बावजूद मैंने हर कोई डाटा खोजते आपदा प्रबंधन विभाग हो DM साहब हो या आपके जितने मीडिया वाला हैं तो फिर मैंने हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं सर कि मैंने आखिर ये वाटर टॉयलेट की प्रॉब्लम बिल्डिंग की प्रॉब्लम गवर्नमेंट कहता है कि नहीं विकास हो रहा है लेकिन मैं टिल दिस डेट मैंने चूँकि ये तो ऑफिस मैंने कांग्रेस के ज़माने से अब तो BJP भी आ गई इसके बाद कौन सरकार आएगी ये तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि नहीं विकास हो रही है तो फिर विकास के नाम पे जब मैं लेटर छोड़ता हूँ आप लेटर को डस्टबिन में डाल देते हैं। कम से कम वाटर टॉयलेट और बिल्डिंग का प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है आप मेरा एक महीना का आप तनख्वाह रख लेंगे उतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अभी आपको ज़ोर से मान लीजिए कि आपको टॉयलेट लग गया मैं ऑफिस बंद करके जाऊँगा। कई बार मीडिया वाले जाके DM साहब और अन्य कई ऑफिसर्स को बोल भी देते हैं कि मौसम विभाग का ऑफिस बंद है बट क्यों बंद है क्या इसकी मजबूरी है हमारी मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम हमारा दुख कोई नहीं सुनने वाला है सर।
तो ये आपने सुना इनके दर्द को, इनका कहना है कि हर एक 3 घंटे पर ये जो डाटा भेजते हैं यहाँ से इन्हें दिल्ली भेजना पड़ता है, पुणे भेजना, दिल्ली पुणे कोलकाता भेजा जाता है डाटा। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग को भी मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा भेजना पड़ता है। सरकार भी जो है इसका इंतज़ार करती है कि हमें डाटा मिले, उसके आधार पर वो अपना काम करती है। अब आप यह समझिए कि यह इतना महत्वपूर्ण कार्यालय है और इस कार्यालय की ऐसी स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मौसम वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अगर यह विकास है तो आप सोचिए कि इस हालत में ये क्यों है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया। जो है वो काफ़ी जर्जर हालात है, क्या कर्मियों की कमी है और मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है नज़र आ रही? एक्चुअली 1984 में ये पूर्णिया ऑफिस को परमानेंट मेट्रोलॉजिकल ऑफिस के रूप में कन्वर्ट किया गया था। तो जब देश ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 1 जुलाई 1874 को अंग्रेजों ने बनाई थी। तो बिल्डिंग जी, ये बिल्डिंग मैंने सुर्खी चूना पर है और इसका रूफ का जो आप कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं विदाउट कंक्रीट, आजकल जिससे ढाला जाता है रूफ को, छत को वैसा ढलाई किया हुआ नहीं है। जस्ट इन्होंने क्या काम किया था कि वो लोहे के बत्ते को डाल के ऊपर सीटा को डाल के, पहले तो इसी सिस्टम से आपको रूफ की ढलाई होती थी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो फिर इसको पार्ट टाइम ऑब्जर्वेटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। 1984 में इस बिल्डिंग मतलब इस ऑफिस को फुल टाइम ऑब्जर्वेटरी बना दिया गया। ऑब्जर्वेटरी तो यहाँ बना दिया गया, लेकिन जब से ऑब्जर्वेटरी बनी है तब से लेके आज तक न तो शौचालय की सुविधाएँ हैं, न तो वाटर का यहाँ कोई सुविधाएँ है। इधर 2 महीना पहले हमारे डायरेक्टर साहब पटना से आए हुए थे, श्री आनंद शंकर साहब, तो उनके प्रयास से उन्होंने डीएम कमिश्नर और जो नगर आयुक्त थे उनसे मिलकर के वो पाइपलाइन तो यहाँ तक खिंचवा दिए। लेकिन पाइपलाइन वालों का कहना है कि इसमें पानी 2 महीना के बाद ही आ पाएगी। मतलब अभी भी पानी की सुविधा नहीं, पानी अभी भी नहीं है। माना स्टाफ लोग अपने साथ में वाटर बोतल लाते हैं और मान लीजिए वाटर बोतल का पानी ख़त्म हो गया तो फिर ऑफिस को बंद करके जाना पड़ता है कहीं पर पानी पीने के लिए। मान लीजिए ज़ोर से उनको टॉयलेट लग गई तो फिर बगल के नगर निगम में जाना पड़ता है, उस समय आपके ऑफिस बंद रहेगी। तो ऑफिस तो मैंने हमारे पत्रकार महोदय या हमारे जो भी कोई ऑफिसर या आपको बिहार सरकार का हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट का हो, वो जब आते हैं तो देखते हैं ऑफिस बंद है, वो हमारी मजबूरी को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऑफिस बंद क्यों है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। अभी हम लोग तीन परमानेंट स्टाफ हैं, लेकिन मेरा तो ड्यूटी 10 से 5 जो कि जनरल ड्यूटी है, 2 स्टाफ का मॉर्निंग है, किसी का इवनिंग है, तो ऐसे रोस्टर में बांटा हुआ है, 3 पार्ट टाइम कॉन्टिजेंट स्टाफ जो है। तो इधर काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी हमारे डायरेक्टर साहब डीडीजीएम और डीजी साहब के काफ़ी प्रयास के बाद बिहार सरकार इसी जगह पे 15,000 square feet ज़मीन देने की मंजूरी दी है। सारा काम प्रोसेसिंग में है, सिर्फ 1,34,00,000 रुपया ट्रांसफ़र होने की बात है, बस वो 2-4 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद CPWD के थ्रू कंस्ट्रक्शन होगा। जब यहाँ लैंड परचेजिंग का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पे पूरे बिहार में 2 जगह गया और पूर्णिया को ZIMC बनाने की बात चल रही है। ये तो आपने जो आने वाला कार्य है उसके बारे में बताया, इससे पहले जो आपके भवन की हालत है जब बारिश होती है तो किस तरह फाइलों को बचा? अरे मत पूछिए सर, ऐसा है कि मैंने बारिश होने के टाइम में तो पूरा छत लीकेज होती है, बाहर का पानी रूम के अंदर घुस जाता है, कंप्यूटर और पेपर भींग जाते हैं और स्टाफ लोग समझिए कि मैंने तर बतर रहते हैं कि मैंने क्या करें। कैसे काम होता है फिर उस दरमियान? काम तो मैंने काम तो आखिर करना है ही, चाहे वो माना जब हमने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि माना
अब हमको जहाँ भेजें जिस हालत में भेजें हम, क्या परेशानी होती है उस समय? परेशानी काफ़ी है, और उस समय जिस समय वर्षा होती है हमारे साथ दो चार सांप भी रूम के अंदर घुसते हैं, वो भी साथ में रहते हैं, मैं भी साथ में रहता हूँ, दोनों मिलके काम करते हैं आखिर कर। और ये सांप का फोटो कई बार हमारे डॉक्टर साहब को भेजा गया, पटना से टूरिंग पार्टी आए, उन्होंने खुद वो सांप का फोटो भेजा है। मैं क्या झूला, बिल्कुल मैंने एक तरह से होता है ना कि मैंने एक जेल के कैदी को भी पानी और शौचालय की सुविधा दी जाती है। हम लोग कहने को तो मान लिया मेट्रोलॉजिकल स्टाफ है, बट वी आर लिविंग इन वेरी इन ट्रबल कंडीशन विदाउट वाटर एंड टॉयलेट एंड द लाइफ इन डेंजर सिचुएशन सर। और थैंक यू।